एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर आखिर क्या होता है और इसमें कितने प्रकार का होता है और इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है और किस प्रकार इसको क्योर किया जाता है। तो कैंसर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कैंसर जो होता है, हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, जिसमें नॉर्मल हमारे शरीर का कंट्रोल होता है उन सेल की ग्रोथ पर। जो पुरानी सेल्स होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं ऑटोमेटिक बनती रहती हैं। किसी पार्ट्स में एक अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है सेल के अंदर, या कोशिकाएं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ, लार्ज ग्रोथ कर जाती हैं, तो वो एक कैंसर का रूप ले लेती हैं। जो शुरुआत में स्टेज, जो शुरुआती फर्स्ट सेकेंड स्टेज होती है, उसमें एक सिस्टनुमा आपको उसमें ग्रोथ होती है और सिस्टनुमा आपको वो मिलता है। ये कितने प्रकार का कैंसर होता है? मेनली आजकल रिसर्चर्स कह रहे हैं कि लगभग 200 प्रकार का कैंसर्स इस टाइम अवेलेबल हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन जो मेन कैंसर्स आपको मैं बता दूं, जैसे स्तन कैंसर है, लीवर कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं जो ब्रेन कैंसर्स होते हैं, या प्रोस्टेट कैंसर हो जाते हैं, या शरीर में गॉल ब्लेडर कैंसर हो जाता है, या लंग्स कैंसर हो जाता है, या कोई और स्किन कैंसर हो जाता है। तो उस तरीके के बहुत सारे कैंसर्स जो हमारे सामने आते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की गांठ हुई है शरीर के अंदर, तो उसको तुरंत उसकी बायोप्सी कराएं, और बायोप्सी कराने के बाद, टेस्ट कराने के बाद ये पता चल जाएगा कि वो कैंसर है या नॉन कैंसर ट्यूमर है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैंसर का किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है ये मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो प्योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं और जो 114 पौधों से बने होते हैं, जो प्रॉपर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, जो उनके जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स है, जो सेल्स की जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, जो फैल रहा है कैंसर, उसको रोका जाता है सबसे पहले, के बाद उसकी जो सिस्ट है उसको डिजोल्व किया जाता है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपर कैंसर के जो सेल्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए और उसको उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए बनाई गई हैं। तो आप लोग भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कैंसर का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप लोग लाइफ केयर कॉलेज एंड कैंसर हॉस्पिटल हथीन पर आकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर क्यों ना हो।